बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 4 नियोजन के अंतर्गत नियोजन के प्रकारों पर चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। बच्चों हमने नियोजन के बारे में जाना, नियोजन क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके बारे में हमने जाना। देखिए सबसे पहले हम उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, किसी कार्य को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सारी चीजें हम तय करते हैं। यानी हम एक रूपरेखा बनाते हैं और यही क्या होता है, नियोजन कहलाता है। नियोजन के प्रकार जो हैं दो होते हैं, एक होता है एकल उपयोग योजना, एकल उपयोग योजना, आज हम इसको भी जानेंगे। एक होता है स्थायी योजना। जितनी भी योजनाएं एक संगठन में बनाई जाती है, एक उपक्रम में बनाई जाती है, उन्हें मुख्यतः दो भागों में हम बांटते हैं, एकल उपयोग योजना में और दूसरी स्थायी योजना। आइए देखते हैं इसको। योजना के प्रकार देखिए, आपके सामने योजना के कुछ प्रकार प्रदर्शित हैं, एकल प्रयोग योजना और स्थायी योजना इसमें प्रमुख है। एकल योजना वे योजनाएं होती हैं जो कि एक संगठन में एक बार ही बनाई जाती हैं और वो एक बार ही काम में आती है, उन्हें एक विशेष परिस्थिति के लिए ही बनाया जाता है। और जो स्थायी योजनाएं होती हैं उन्हें एक बार बना दिया जाता है तो वे काफ़ी लंबे समय तक संगठन में काम में आती है, उनमें आवश्यक संशोधनों के साथ काम लिया जाता रहता है। एकल प्रयोग योजना में बजट आता है, देखिए दूसरा आता है इसमें प्रोग्राम। जो बजट होता है वो एक कार्यक्रम के लिए एक बार ही तैयार होता है, एक परिस्थिति के लिए बजट एक बार ही तैयार होता है, एक वर्ष का बजट एक बार ही तैयार होता है, बार बार बजट तैयार हम नहीं करते हैं। बजट दो प्रकार का होता है बच्चों, रोकड़ बजट और बिक्री बजट। और यह एक संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, रोकड़ बजट और बिक्री बजट। हर संगठन इस प्रकार के बजट बनाता है और उसे अपने हर कार्यक्रम के लिए बजट का निर्धारण करना होता है, ये एक बार ही किया जाने वाला कार्य होता है। दूसरा होता है कार्यक्रम या प्रोग्राम। देखिए जब भी कोई संगठन किसी प्रोग्राम की योजना बनाता है, किसी कार्यक्रम की योजना बनाता है, तो वह उसके अंतर्गत रूपरेखा तैयार करता है, रणनीति बनाता है, उस प्रोग्राम के लिए कोई ना कोई नियम बनाएगा, कोई ना कोई नीति बनाता है। अर्थात इसके अंतर्गत स्थायी योजनाओं में आने वाले जितने भी प्रकार हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। और एक प्रोग्राम के लिए हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। इसी प्रकार स्थायी जो योजना होती है वह संगठन में एक बार ही बनाई जाती है, आंशिक संशोधनों के साथ उसे हम बार बार प्रयोग में लेते रहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत आती है कार्यविधि। कार्यविधि क्या होती है, जो दैनिक गतिविधियां एक संगठन में चलती हैं, दैनिक गतिविधियां जो एक संगठन में चलाई जाती हैं, ये उनको करने का एक क्रम निर्धारित करती है। जो दैनिक गतिविधियां एक संगठन में आयोजित की जाती हैं, होती हैं, उनको किस प्रकार किया जाना है, उनका क्रम कार्यविधि के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। जैसे उत्पादन का कार्य करना है तो उत्पादन का कार्य करने से पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कच्चा माल कहाँ से क्रय किया जाएगा, किस संस्था से क्रय किया जाएगा और किस क्वालिटी का कच्चा माल क्रय किया जाएगा, तो ये सारा क्या होता है, एक कार्यविधि के अंतर्गत आता है, पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है, एक निश्चित क्रम में ये काम होता है। इसी के अंतर्गत एक होता है नियम। देखिए कार्य को करने के संबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ध्यान रखना है,
इसके अंतर्गत आता है। किन बातों का हमें ध्यान में रखना है, साथ ही किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना है, वो नियमों के अंतर्गत आती हैं। एक संगठन होता है उसमें धूम्रपान का कार्य निषिद्ध होता है, यानी धूम्रपान करना मना होता है। इसी प्रकार आप जानते हैं हमारे विद्यालयों में भी कुछ नियम होते हैं और हमें उन नियमों का पालन करना होता है। आप वाहन चलाते हैं तो भी उसके लिए कुछ नियमों का पालन करते हैं। ये नियम सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं और यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो इसका जुर्माना भी वहन करना होता है। देखिए, स्थायी योजना के अंतर्गत ही आती है नीति, यानी ये सामान्य दिशा निर्देश होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, यानी किस प्रकार से काम को किया जाएगा उससे संबंधित सामान्य दिशा निर्देश नीतियों के अंतर्गत तय होते हैं। एक संगठन भर्ती की नीति तय करता है कि किस प्रकार हमें भर्ती करनी है, तो उस भर्ती से संबंधित जितने भी सामान्य दिशा निर्देश होंगे वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ये एक प्रकार से मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे जो योजनाएं होती हैं जो कि न तो स्थायी योजना के अंतर्गत आती है और न ही एकल उपयोग योजना के अंतर्गत आती हैं, उन्हें अन्य रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए, उद्देश्य, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले उद्देश्य तय होते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और ये लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही संगठन कार्य करते हैं। व्यू रचना, देखिए बच्चों, व्यू रचना क्या होती है? जब संगठन के सामने विशेष प्रकार की परिस्थितियां आती है तो वह उनका सामना करने के लिए और अवसरों से लाभ उठाने के लिए रणनीति बनाता है। वह क्या करता है? रणनीति बनाता है और यह रणनीति क्या होती है? व्यू रचना कहलाती है। इस व्यू रचना का इस्तेमाल करके वह अपनी जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उनसे प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। अब हम इन्हें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं एकल प्रयोग योजना से। आइए देखें, एकल प्रयोग योजना वह योजना जो कि विशिष्ट उद्देश्य वाली परियोजना अथवा एक बारी की घटना हेतु तैयार की जाती है। देखिए, एक बार की घटना के लिए इसे तैयार किया जाता है या एक विशेष परियोजना के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली योजनाओं के लिए इसे तैयार किया जाता है। यह उन गतिविधियों पर लागू होती है जिनकी पुनरावृत्ति अथवा जिनका दोहराव नहीं होता। ऐसे कार्यों के लिए यह योजनाएं बनाई जाती है जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती या दोहराव नहीं होता, जैसे बजट तैयार करना। बजट देखिए, एक योजना के लिए एक बार ही तैयार होता है, एक बार ही बजट तैयार कर लिया जाता है। तो जो बजट होता है वह एक बार तैयार किया जाता है, तो यह कैसी हो गई? एकल प्रयोग योजना हो जाती है। यह एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु तैयार की जाती है। क्या प्राप्त करने हैं? तो विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये एकल प्रयोग योजनाएं बनाई जाती हैं। इस प्रकार की योजनाओं का विकास विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है, विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप ही इनका क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। जो विशिष्ट परिस्थितियां हमारे सामने उपलब्ध हो जाती हैं उनके अनुसार ही ये एकल प्रयोग योजनाएं बनाई जाती हैं। कोई अचानक कार्यक्रम करना पड़ जाए तो उससे संबंधित योजना बनाई जाती है। वह कार्यक्रम एक बार होगा तो वह योजना कैसी होगी? एकल प्रयोग योजना होती है। बाद में उसी तरीके का जो कार्यक्रम होगा उसके लिए हम पहले बनाई गई योजनाओं से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन वह योजना अन्य कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं हो सकती। एकल प्रयोग योजना की अवधि विचारार्थ परियोजना अथवा कार्य पर निर्भर करती है। देखिए, कितनी अवधि की योजना होगी यह उस परियोजना पर निर्भर करती है, उस कार्य पर निर्भर करती है जिसके लिए हम योजना बना रहे होते हैं, और यह अवधि एक दिन से लेकर एक माह तक की हो सकती है। मतलब एक दिन की योजना भी हो सकती है और एक माह तक के लिए भी यह एकल प्रयोग योजना बनाई जा सकती है, एक वर्ष के लिए भी यह योजना बनाई जा सकती है, लेकिन यह एक परियोजना एक कार्यक्रम के लिए एक बार ही तैयार
की जाती है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इन योजनाओं में बजट एवं कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं और इनमें क्या क्या आते हैं, बजट और कार्यक्रम आते हैं। उदाहरण के लिए एक कार्यक्रम की योजना में कार्यक्रम के चरण, उसकी रूपरेखा, आवश्यक कार्य विधियों की पहचान आदि कार्य होते हैं। देखिए एक कार्यक्रम जो होता है उसमें कार्यक्रम से संबंधित चरण आ जाते हैं, उसकी रूपरेखा आ जाती है, उससे संबंधित कार्य विधियां उसके अंतर्गत आ जाती हैं। इस प्रकार की योजनाएं भविष्य में नई योजनाएं तैयार करने हेतु उपयोगी होती हैं। जो एकल प्रयोग योजनाएं हैं उनका उपयोग करके भविष्य में नई योजनाएं हम तैयार करते हैं। स्थायी योजनाएं, देखिए वे योजनाएं जो व्यवसाय में अनेक बार प्रयुक्त होती हैं, अनेक बार, कई बार उन योजनाओं को हम व्यवसाय में प्रयोग में लेते हैं। व्यवसाय प्रारंभ किया तो उस समय जो योजना बनाई गई थी वह व्यवसाय में निरंतर चलती रहती है, क्योंकि ये उन संगठनात्मक परिस्थितियों पर ध्यान देती हैं जो व्यवसाय में बार बार उत्पन्न होती हैं। स्थायी योजनाएं उन चीज़ों के लिए बनाई जाती हैं जो कि संगठन में बार बार होती रहती हैं, जैसे भर्ती की नीति है। अब भर्ती का जो कार्यक्रम है वह एक संगठन में लगातार चलता रहता है, तो जो ये नीति है वह स्थायी योजना के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार की योजनाएं प्राय एक बार विकसित की जाती हैं तथा लंबे समय तक आवश्यक संशोधनों के साथ अपनी उपयोगिता बनाए रखती हैं। देखिए ये जो स्थायी योजनाएं हैं इन्हें व्यवसायी एक बार विकसित करता है और ये आवश्यक संशोधनों के साथ, जो भी संशोधन इनमें होने हैं वो इनमें कर दिए जाते हैं और उन संशोधनों के साथ इन्हें बार बार काम में लिया जाता रहता है। स्थायी योजनाओं में नीतियां, विधियां, कार्य विधियां तथा नियम सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, नीतियां आती है, नियम आते हैं, कार्य विधियां और विधियां सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए एक नए व्यवसाय को स्थापित करने की योजना जो व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले से लेकर व्यवसाय की प्रगति के प्रयासों तक सभी में प्रयुक्त होती है। जो नया व्यवसाय जब प्रारंभ किया था हमने, तब जो योजना बनाई थी वह योजना व्यवसाय में लगातार काम में आती रहती है। उसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं, आवश्यक संशोधन हम करते हैं और उसी योजना को आगे काम में लेते रहते हैं। एकल प्रयोग योजनाएं तथा स्थायी योजनाएं प्रचालन नियोजन प्रक्रिया के भाग हैं। ये दोनों ही प्रचालन नियोजन प्रक्रिया के भाग होते हैं। कुछ योजनाओं को इनके आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। देखिए कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें एकल प्रयोग योजना और स्थायी योजनाओं में हम बांट नहीं सकते, जैसे व्यूह रचना और उद्देश्य। ये ऐसी योजनाएं होती हैं जिन्हें हम एकल प्रयोग व स्थायी प्रयोग के आधार पर नहीं बांट सकते हैं, ये अन्य योजनाओं में शामिल होते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उद्देश्य से। देखिए नियोजन का जो पहला कार्य होता है वह होता है उद्देश्यों का, लक्ष्यों का निर्धारण करना, लक्ष्य निर्धारित कर लेना कि ये हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य जो भी होता है वह संगठन के लिए क्या होता है, केंद्र बिंदु का कार्य करता है, यानी उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही पूरा संगठन प्रयासरत होता है। ये जो लक्ष्य हैं, ये जो उद्देश्य हैं, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। नियोजन का पहला कार्य उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। उद्देश्य से अभिप्राय उन अंतिम बिंदुओं से है, होता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन प्रयत्नशील रहता है। वे केंद्र बिंदु, वह अंतिम बिंदु जिसे प्राप्त करने के लिए पूरा संगठन प्रयासरत रहता है, सारे कार्य किए जाते हैं। उद्देश्य प्रबंध का वह गंतव्य स्थान है जहां उसे भविष्य में पहुंचना है। देखिए जो उद्देश्य लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं वह क्या है, वह एक गंतव्य स्थान होता है जिस तक पहुंचने के लिए हम सारे कार्य करते हैं। आपने 95% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आप सारे कार्य करते हैं, तो यह क्या है, गंतव्य स्थान होता है। जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं यह हमारा गंतव्य स्थान है। प्रबंधन की अन्य क्रियाएं इन उद्देश्यों की ओर ही निर्देशित
होते हैं। देखिए प्रबंधन की जितनी भी अन्य क्रियाएं हैं वे इन उद्देश्यों की ओर ही क्या होती है, अग्रसर होती हैं, इन्हीं के लिए चलती हैं। ये भविष्य के क्रियाकलापों को परिभाषित करते हैं, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए तथा ये मापने व प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। देखिए जो उद्देश्य होते हैं ये क्या होते हैं, भविष्य के क्रियाकलापों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। भविष्य में हम क्या प्राप्त करेंगे, क्या करना है, उसके लिए ये तय किए जाते हैं, भविष्य के ये क्रियाकलाप होते हैं। साथ ही ये ऐसे होने चाहिए जो कि स्पष्ट हों, जिन्हें आसानी से समझा जा सके, साथ ही अपने कर्मचारियों को जिन्हें आसानी से समझाया जा सके, यानी स्पष्ट होने चाहिए, ये मापने व प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, जिन्हें मापा जा सके साथ ही प्राप्त भी किया जा सके, ऐसे उद्देश्य बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए एक संगठन का उद्देश्य बिक्री को 10% बढ़ाना, निवेश पर 20% की दर से आय प्राप्त करना हो सकता है। देखिए एक संगठन किस प्रकार के उद्देश्य निर्धारित कर सकता है कि बिक्री को 10% तक हमें बढ़ाना है और उसी के अनुरूप वह क्या करेगा, योजना बनाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वह अपनी योजनाएं बनाता है कि हमें हमारी बिक्री को 10% बढ़ाना है या निवेश पर हमें 20% की दर से आय प्राप्त करनी है। यह उद्देश्य निर्धारित करके, यह लक्ष्य निर्धारित करके वह अपनी योजनाएं तैयार करता है। व्यू रचना मोर्चाबंदी, देखिए व्यू रचना मोर्चाबंदी एक तरह से संगठन को विशेष परिस्थितियों से सामना करने के लिए तैयार करता है। वह एक रणनीति बनाता है और उस रणनीति के तहत आगे बढ़ता है। व्यू रचना से अभिप्राय उन योजनाओं से होता है जिन्हें एक संगठन परिस्थितियों एवं अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है। परिस्थितियों का सामना करने, जो परिस्थितियां उसके सामने उत्पन्न होने वाली है उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक संगठन व्यू रचना बनाता है, रणनीति बनाता है, साथ ही सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी वह क्या करता है, रणनीति बनाकर, व्यू रचना बनाकर कार्य करता है। यह एक विस्तृत योजना है जिसके 3 आयाम होते हैं। देखिए इसके 3 आयाम होते हैं और यह बहुत बड़ी योजना होती है। पहला आयाम है दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण। जो संगठन दीर्घकाल में प्राप्त होने वाले लक्ष्यों का निर्धारण करता है और उसके अनुसार वह क्या करता है, अपनी रणनीति बनाता है, व्यू रचना बनाकर कार्य करता है और आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। दूसरा है एक निश्चित कार्य करने के तरीके क्रियाविधि का चुनाव करना, और इसके लिए वह क्या करता है, निश्चित कार्य करने के तरीकों का चुनाव करता है कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन कार्यों को इस क्रम में करना है और वह इस प्रकार की क्रियाविधि का क्या है, चुनाव करता है। तीसरा है उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन करना, और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह आवश्यक संसाधनों को एकत्र भी करता है, उनका आवंटन भी करता है। बदले वातावरण का सामना करने, खासतौर पर जब कोई योजना प्रतियोगियों की योजनाओं का सामना करने के उद्देश्य से बनाई जाती है तो उसे कार्यनीति व्यू रचना कहा जाता है। देखिए खास तौर पर ऐसी योजना जो प्रतिस्पर्धियों का सामना करने के लिए बनाई जा रही है उनकी योजनाओं से मुकाबला करने के लिए जो व्यू रचना बनाई जाती है, कार्यनीति बनाई जाती है, वही क्या होती है, व्यू रचना या रणनीति होती है। उदाहरण विपणन व्यू रचना, देखिए अपने उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाना, प्रतिस्पर्धी के जो उत्पाद हैं वह भी ग्राहक तक पहुंच रहे हैं, अब ग्राहक आपके उत्पाद क्यों खरीदे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग जो टीम है उसको तैयार करना पड़ेगा, उनको एक ऐसी व्यू रचना देनी पड़ेगी जिससे कि वे आपके उत्पादों को कहाँ तक पहुँचाएँ, ग्राहकों तक पहुंचाएं, ग्राहकों को उनकी जानकारी प्रदान करें, अधिक से अधिक आपके उत्पाद बिकें, प्रतिस्पर्धी के उत्पादों के मुकाबले आपके उत्पादों की बिक्री क्या हो, अधिक हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू रचना बनाकर आगे बढ़ना होगा, विपणन की व्यू रचना आपको बनानी पड़ेगी। नीति, देखिए नीति क्या होती है,
नीतियां सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। नीतियां सामान्य दिशा निर्देश कथन होते हैं जो विचारों का मार्गदर्शन अथवा एक विशिष्ट दिशा में अग्रसर होने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह बताता है कि हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। एक सामान्य दिशा निर्देश इसके अंतर्गत तैयार किए जाते हैं जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए निर्णयों में एक रूपता लाते हैं। और इनसे क्या होता है, जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें एक रूपता स्थापित होती है। नीतियाँ संस्था में कार्यरत प्रबंधकों को दिशा निर्देश प्रदान करती है और इन नीतियों से जो संस्था प्रबंधक काम कर रहे हैं संस्था में उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जैसे एक संगठन ने भर्ती की कोई नीति बनाई हुई है, अब वह जब भी भर्ती करेगा तो उसी नीति का क्या करेगा, वह पालन करेगा। जब भी उसके द्वारा कोई भर्ती की जाएगी तो वह उसी नीति पर आगे बढ़ेगा। जैसे किसी संगठन ने यह तय कर लिया है कि जब भी हम भर्ती करेंगे तो 100 में से 33 महिलाएं हम लेंगे, महिलाओं की हम क्या करेंगे, भर्ती करेंगे अपने संगठन में। तो यह एक नीति उसने बना ली कि हमें 100 में से 33 महिलाएं लेनी ही है। तो जब भी भर्ती का काम होगा तो इस नीति का अनुसरण उस संगठन के द्वारा किया जाएगा, एक मार्ग दिखाने का ये काम करती है। कंपनियों की बड़ी नीतियों से लेकर छोटी नीतियां हर स्तर पर तथा हर विभाग में नीतियां होती है। देखिए, एक कंपनी में बड़ी नीतियां भी हो सकती है और छोटी नीतियां भी हो सकती है। विभाग वाइज भी नीतियां बनाई जाती है और प्रबंधन के हर स्तर पर अपनी नीतियां बनाई जाती है। मतलब हर स्तर पे नीति हो सकती है, हर विभाग में हो सकती है, हर प्रभाग में नीति हो सकती है। बड़ी नीतियां ग्राहकों तथा प्रतियोगियों आदि की जानकारी के लिए होती है। देखिए, कोई संगठन जब नीतियां बनाता है तो वह बड़ी नीति भी बनाता है और छोटी नीति भी बनाता है। तो बड़ी नीति किसके लिए होती है, प्रतियोगियों के लिए होती है, ग्राहकों के लिए तैयार की जाती है। जबकि जो छोटी नीतियां आंतरिक जगत के लिए जिसमें सूक्ष्म विवरण दिए होते हैं, और जो छोटी नीतियां बनती है वह संगठन के आंतरिक जगत के लिए होती हैं और उनके अंदर छोटा छोटा विवरण, सूक्ष्म विवरण दिया होता है। ये अपेक्षाकृत लचीली होती हैं। देखिए, नीतियां लचीली होती हैं, आवश्यकता पड़ने पर इनमें परिवर्तन किया जाता रहता है, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण, संस्था द्वारा नकद आधार पर ही बिक्री करना, संस्था में उपलब्ध कुछ पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना, ये एक संगठन द्वारा बनाई जाने वाली क्या है, नीतियां हैं। किसी संगठन ने तय कर लिया है कि वह अब जितनी भी बिक्री करेगा, जितनी भी बेचान करेगा, वह उधार नहीं करेगा, वह उधार में नहीं करेगा। तो क्या होगा, उधार देना अब बंद हो गया है। लेकिन यदि कोई संगठन ऐसा आता है समझौता करने के लिए जो बहुत अधिक मात्रा में ऑर्डर देगा, लेकिन वह क्या है, उधार में माल लेना चाहता है, ऐसी स्थिति में इस नीति के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो नीति बन गई उसी पर हम चलते रहेंगे, नहीं, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कंपनी की भर्ती नीति, क्रय नीति आदि जिसके अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं या निर्णय लिए जा सकते हैं। एक कंपनी अपनी भर्ती नीति तैयार करती है, क्रय नीति तैयार करती है, बिक्री नीति तैयार करती है, जिसके अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उनके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। कार्यविधि प्रक्रिया, देखिए, ये वे योजनाएं हैं जो कि दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित होती हैं। दैनिक गतिविधियों के संचालन से इनका संबंध होता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती हैं और ये किसी कार्य को करने के लिए जो भी क्रियाएं की जानी हैं उसका क्रम निर्धारित करती हैं कि पहले क्रम पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये और चौथे पर ये कार्य
करना है। इस प्रकार निश्चित क्रम में ही वो गतिविधि संचालित की जाती है। इसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि किसी कार्य को किस प्रकार क्रम में करना है। इसके द्वारा कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। देखिए बच्चों, इसके द्वारा किसी कार्य को करने में बहुत आसानी हो जाती है जब हमें यह पता होता है कि हमें पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये कार्य करना है, तो एक जो काम है वह आसानी से पूरा हो जाता है यदि उनका क्रम निर्धारित है। तो उत्पादन कार्य से पूर्व माल मंगवाने की प्रक्रिया होती है। देखिए, जब भी उत्पादन कार्य होता है तो उससे पहले क्या है, कच्चा माल मंगवाना पड़ता है, तो यह उससे पहले का कार्य होता है। विधि, देखिए पहले हमने अभी देखा प्रक्रिया, अब है विधि। विधि किसी कार्य को करने का मान्य तरीका होता है जिसके द्वारा उद्देश्यों के अनुसार एक कार्य को निष्पादित किया जाता है। यानी जो उद्देश्य हैं उनके अनुसार कार्य को निष्पादित करना, ये आता है विधि के अंतर्गत। देखिए, उद्देश्य के अनुसार जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे उसके अनुसार कार्य को करना, ये तो कहलाता है विधि। और एक कार्य को करने के जो विभिन्न चरण होते हैं, क्रम होते हैं, उन्हें निर्धारित करना, ये आता है कार्य विधि में। देखिए दोनों में अंतर है, कार्य विधि और विधि में अंतर है। कार्य को करने के करना इस तरीके से करना है, यह तो आता है विधि में। और जो कार्य को करने के विभिन्न चरण हैं, यानी जो काम करने के विभिन्न चरण हैं, क्रम हैं, वो किस में आता है, कार्य विधि के अंतर्गत आता है। किसी कार्य को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन केवल वही तरीका अपनाना चाहिए जिसमें लागत न्यूनतम आए। काम करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि लागत न्यूनतम आए। प्रत्येक कार्य करने की विधि अलग अलग हो सकती है और हर काम को करने की विधि अलग अलग हो सकती है। आपको किसी चीज़ को याद करना है, आप लिखकर भी याद कर सकते हैं, आप मौखिक भी याद कर सकते हैं, बार बार दोहरान करके भी याद कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से किसी तथ्य को याद रख सकते हैं। तो ये विधियाँ अलग हैं। अब हर बच्चा अपने अनुसार अपनी विधि तय करता है कि उसे किस विधि के अनुसार याद करना है। और किसी काम को, जैसे गृह कार्य करने का एक क्रम निर्धारित है, आपको पहले ये काम करना पड़ेगा, आपको उत्तर पुस्तिका पुस्तिका निकालनी पड़ेगी, फिर आपको पेन पेंसिल निकालनी पड़ेगी, आपको संबंधित पाठ खोलना पड़ेगा, उसके प्रश्न लिखने होंगे, उसके बाद उत्तर लिखना होता है, तो ये एक निर्धारित क्रम में आप चलते हैं। तो वह हो गया कार्यविधि, और काम को करने के जो विभिन्न तरीके हैं उनमें से एक तरीका चुनना हो गया विधि। उपयुक्त विधि का चयन समय धन तथा प्रयास को बचाता है। यदि सही विधि का हमने चयन कर लिया है तो वह हमारे समय को भी बचाएगा, हमारे धन को भी बचाएगा और हमारे प्रयास को भी बचाता है। किसी संस्था में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक जो संस्था होती है उसमें ट्रेनिंग देने के कई तरीके हो सकते हैं। वह प्रशिक्षुता प्रणाली का प्रयोग कर सकता है, वह प्रकोष्ठ शाला का प्रयोग करके भी ट्रेनिंग दे सकता है, एक प्रकोष्ठ में ट्रेनिंग देने का काम वह करवा सकता है। कई अलग अलग विधियां हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ का वह प्रयोग करता है। नियम, नियम वे विशिष्ट कथन होते हैं जो बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना। नियम क्या बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसी काम को करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये नियमों के अंतर्गत हमें बताया जाता है। नियम निश्चित एवं कठोर होते हैं तथा इनके द्वारा संस्था में अनुशासन सुनिश्चित किया जाता है। नियम बना के संस्था में अनुशासन सुनिश्चित किया जाता है। ये कठोर होते हैं, ये बहुत निश्चित होते हैं, वह कठोर होते हैं, इनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी संस्था में यह नियम है कि धूम्रपान नहीं किया जाएगा, धूम्रपान कार्य निषिद्ध है, तो वहां धूम्रपान करने पर दंड भी दिया जा सकता है। उदाहरण, धूम्रपान निषेध आदि।
नियम तोड़ने पर फाइन का भी प्रावधान होता है। देखिए बच्चों, हमारे विद्यालयों में भी कुछ नियम होते हैं और हमें उनका पालन करना होता है, अन्यथा वहां भी जुर्माना लगता है। कार्यक्रम, कार्यक्रम किन्हीं विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपयोग विस्तृत योजना होती है। देखिए जो प्रोग्राम है वह क्या होता है, एकल प्रयोग योजना के अंतर्गत आता है और यह विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं जिसमें उद्देश्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं तथा नियमों का संयोग होता है। और जो कार्यक्रम बनते हैं उनके लिए नीति भी बनाई जाती है, नियम भी बनाए जाते हैं, उनके अंदर कार्यविधि भी होती है, उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है। कार्यक्रम में संगठन की वे सभी क्रियाएं तथा नीतियां सम्मिलित होती हैं जिससे कि व्यवसाय की समस्त योजनाओं में सहयोग हो सके, जिससे व्यवसाय आगे बढ़ सके। बजट, देखिए यह भी एकल प्रयोग योजना के अंतर्गत आता है। बजट आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मदों के रूप में व्यक्त करना है। जो परिणाम हमें प्राप्त करने हैं उन्हें संख्यात्मक रूप में प्रकट करना क्या होता है, बजट कहलाता है। अनुमानित परिणामों का विवरण है जिन्हें भविष्य के निश्चित समय अंतराल के लिए गणना योग्य संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए एक संगठन अपना बजट बनाती है, वह यह तय करती है कि हम 10 लाख रुपए व्यय करेंगे किसी कार्य पर। कितना? 10 लाख रुपए व्यय करेंगे। तो उन्होंने एक संख्यात्मक आंकड़े निश्चित कर लिए भविष्य के लिए कि इतना हम खर्च करेंगे, इस वित्तीय वर्ष में इतना रुपया हमें क्या करना है, खर्च करना है। अतः वास्तविक संख्याओं की संभावित संख्याओं से आसानी से तुलना की जा सकती है। और उसका यदि इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख रुपए खर्च हो गया तो देखिए वह आसानी से तुलना कर सकता है कि हमें खर्च करने थे इतने और खर्चा हो गया हमारा इतना, यानी हमने निर्धारित जो हमने संख्या रखी थी, बजट निर्धारित किया था, उससे ज़्यादा हमने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। और इस खर्च के कारण, यानी जो भी ये अधिक खर्च हुआ है इसके कारणों की वह क्या करेगी, जांच पड़ताल करेगी और इसके कारणों को वह पहचान कर उन्हें भविष्य में दूर करने का प्रयास करेगी। तुरंत ही कार्यवाही कर विचलनों को आसानी से सही किया जा सकता है और इन विचलनों का पता लगाकर वह तुरंत कार्यवाही करेगी ताकि वह आगे इस प्रकार के विचलनों का सामना न करे। बजट कई प्रकार के होते हैं जैसे रोकड़ बजट, बिक्री बजट आदि। रोकड़ बजट प्रबंधन के लिए रोकड़ के प्रयोग का नियोजन तथा नियंत्रण में सहायता करने की कला है। रोकड़ बजट क्या है, प्रबंधन में रोकड़ प्रवाह को बनाए रखने की, प्रबंधन करने की कला होती है। किस प्रकार से रोकड़ का प्रवाह एक संगठन में रहेगा, कितना रोकड़ रहना चाहिए, यह रोकड़ बजट के माध्यम से तय होता है। यह समय विशेष में रोकड़ के अंतर्गमन, उत्पादों की बिक्री से तथा बहिर्गमन व्ययों का भुगतान व माल के क्रय से का विवरण है। इसके अंदर क्या होता है, रोकड़ का अंतर्गमन और बहिर्गमन। अंतर्गमन कैसे होता है, उत्पादों की बिक्री से कितना पैसा आया, बहिर्गमन व्ययों का भुगतान व माल के क्रय से, माल को क्रय करने में कितना खर्चा हुआ और व्यय जो हमने किए हैं उन पर कितना भुगतान किया गया है, यह होता है बहिर्गमन। शुद्ध रोकड़ की गणना बजट के माध्यम से अंतर्गमन माइनस बहिर्गमन बराबर आधिक्य या कमी ज्ञात की जाती है। देखिए शुद्ध रोकड़ कैसे पता होता है, कितना आया और कितना गया, इन दोनों में अंतर किया जाता है, या तो वह आधिक्य के रूप में होगा या कमी के रूप में होगा। तो इससे पता चलेगा कि संगठन की स्थिति कैसी है, उसमें रोकड़ प्रवाह कैसा बना हुआ है। व्यवसाय को रोकड़ की वांछित मात्रा के लिए उचित योजना बनानी चाहिए एवं उसका सही निर्धारण करना चाहिए। एक व्यवसाय को रोकड़ की मात्रा को निर्धारित करने के लिए एक सही प्रकार की योजना बनानी चाहिए और उसका सही प्रकार से उनको क्या है, प्रवाह बनाए रखना चाहिए। अधिक मात्रा में रोकड़ होना भी नुकसानदायक है और बहुत कम रोकड़ होना भी एक संगठन के लिए नुकसानदायक होता है। बच्चों आज हमने इस वीडियो में योजनाओं के प्रकार पर चर्चा की। योजनाएं किस किस प्रकार की होती है इनके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।